मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग महकमा लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं का एक समूह CHMO कार्यालय पहुंचा और एक स्वास्थ्य कर्मचारी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। दरअसल विगत दिनों पुराना अस्पताल परिसर में गोगांव ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा बैठक रखी थी, जिसके विरोध स्वरूप स्वास्थ्य कर्मचारी सुनील सोनी ने आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को लेकर कुछ टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और विरोध दर्ज करते हुए कर्मचारी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उक्त कर्मचारी पर उचित कार्यवाही की जाए, वहीं आशा कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करने के विरोध स्वरूप माफी मांगी जाए। अब मामले में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मनीषा बिडारे का कहना है कि सुनील सोनी हम लोगों से और CMHO मैडम से माफ़ी मांगे। खरगोन से जी तिवारी की रिपोर्ट। सर, 14 दिसंबर को CMHO कार्यालय में मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ, हम आशाओं के लिए है ना। उस मीटिंग के दौरान मैडम ने कार्यकारिणी की समीक्षा ली और समीक्षा लेते हुए जो सुनील सोनी MPW हैं उनको पता नहीं किस बात से उनकी बेइज्जती महसूस हुई तो वो उठ के बाहर चले गए। हम लोगों को पता नहीं, लेकिन बाहर आके मीडिया के सामने उन लोगों ने बोला कि निचले स्तर के आशा कार्यकर्ताओं के सामने हमारी बेइज्जती हुई है, तो हम इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। और अब हमारे आशा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सुनील सोनी हमें बताए कि निचले स्तर के आशा कार्यकर्ता हैं मतलब क्या, हमें माफ़ी चाहिए। अगर 3 दिवस के अंदर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम सारी आशाएँ पूरे ज़िले की काम बंद कर देंगे, फिर वो अपना काम खुद करें, हमें मालूम नहीं। क्या शुभ नाम आपका? दुर्गा यादव, आशा कार्यकर्ता, भीड़ बुजुर्ग, गोगांव ब्लॉक। किन मांगों को लेके क्या समस्या है आपकी? ज्ञापन मांग नहीं है, हमें जब सम्मान चाहिए, मांग नहीं सम्मान चाहिए, क्योंकि हमारी बेइज्जती हुई है। अगर जब बोला गया है कि स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता NMO और MPW ये तीनों मिलकर एक कड़ी है, तो उसमें हमें निचला स्तर क्यों बोला गया? हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, उनके साथ सहयोग भी कर रहे हैं, उसके बाद में आप हमें क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? किसने बेइज्जत करा आपको? सुनील सोनी जी ने, मैडम ने जब प्रश्न पूछे उन लोगों को प्रश्न के उत्तर नहीं आए, परिभाषा नहीं बताते आई। जब वो स्वास्थ्य विभाग के होते उनको स्वास्थ्य विभाग की परिभाषा नहीं बोलते, तो हम लोगों तो फिर भी उनसे कम पढ़े लिखे हैं, कम शिक्षित हैं, उसके बाद भी हम इतना काम करते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद वो हमें निचला स्तर के बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं हमें बताएं ना? क्या चाहते क्या आप? हम ये चाहते हैं कि सुनील सोनी जी ने जो हमें निचला स्तर कह के हमें अपमानजनक शब्द बोले हैं, आप वो 3 दिन में आके माफ़ी मांगे, मैडम से भी माफ़ी मांगे, तो हम काम करेंगे, नहीं तो पूरे ज़िले की आशाएं काम बंद कर देंगे, जैसे टीकाकरण है, जननी है, जैसा है, ये सारी सुविधाएं बंद। एक कर्मचारी के लिए आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? काम बंद करना हड़ताल ही हुई ना मैडम, तो हमारा सम्मान भी होना चाहिए ना। अगर आज उन्होंने हमारा अपमान किया है, कल और भी कोई जनता करेगी। ये चीज आपको क्या मैडम ने याद दिलाई है? आपको 3 दिन बाद हमने न्यूज़ देखा ना, हमें नहीं पता था कि छोटी सी बात इतना बड़ा मैडम। क्या नाम है आपका? सारिका मंडलोई, ग्राम देवलगांव, गोगांव ब्लॉक से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।